हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा है सच्चा मित्र। आपने देखा कि मित्र को मित्र की सहायता करनी चाहिए। जो अपने मित्र की सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। जो उसके दुख में साथ देता है वही उसका सच्चा मित्र होता है, ना कि वो जो हमारी दोस्ती पर या हमारी किसी कमी पर हंसता है या बात बनाता है, वो सच्चा मित्र नहीं होता। तो बच्चों, आज हम इसके कठिन शब्द करेंगे। सच्चा मित्र, आँखों, परिवार, कठिन, परिश्रम, उपाय, सूझा, पहियों, विद्यालय, आवाज़, प्रधानाध्यापक। ये क्या है? ये इसके कठिन शब्द हैं, ये इस पाठ के कठिन शब्द हैं। अब बच्चों, हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। दोनों बच्चों के नाम बताइए। इसमें अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, दोनों बच्चों के नाम बताइए। इसका उत्तर है बच्चों, दोनों बच्चों के नाम रोहन और अमन थे। दोनों बच्चों के नाम रोहन और अमन था। अब प्रश्न नंबर दो, दोनों बच्चों के माता पिता क्या करते थे? बच्चों, इसका उत्तर है, दोनों बच्चों के माता पिता खाने पीने और रहने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। दोनों बच्चों के माता पिता खाने पीने और रहने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। अब प्रश्न नंबर तीन, दोनों बच्चे किस प्रकार पढ़ते थे? बच्चों, इसका उत्तर है, रोहन तेज आवाज़ में पढ़ता था और अमन उसे सुनकर याद करता था। दोनों बच्चे एक दूसरे के सहयोग से पढ़ते थे। अब बच्चों, प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। क्या कौन आँखों से देख नहीं सकता था? इसका उत्तर है बच्चों, अमन। अमन आँखों से देख नहीं सकता था। अब खे, किसके पास समय नहीं था? माता पिता के पास, अध्यापक के पास, रोहन और अमन के पास। तो यहाँ माता पिता के पास समय नहीं था, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे। रोहन का पैर खराब था, सही। दोनों ने प्रधानाध्यापक को अपना उपाय बताया, ये भी सही है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये भी सही है। सच्चा मित्र केवल सुख में साथ देता है, ये गलत है। हमें नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या रोहन और अमन स्कूल क्यों नहीं जाते थे? इसका उत्तर है, रोहन का पैर खराब था और अमन आँखों से देख नहीं सकता था, इस कारण वे स्कूल नहीं जाते थे। प्रश्न नंबर दो, रोहन को क्या उपाय सोझा? इसका उत्तर है बच्चों, रोहन ने सोचा कि मैं अमन को रास्ते के बारे में बताता हूँ तो वह मुझे पहिए वाली कुर्सी पर स्कूल ले जा सकता है, और मैं पाठ को तेज तेज पढ़ूं तो उसे सुनकर वह याद कर सकता है। प्रश्न नंबर ग्यारह, स्कूल के अध्यापक क्यों प्रसन्न हुए? इसका उत्तर है बच्चों, स्कूल के अध्यापक यह सुनकर प्रसन्न हुए कि दोनों बच्चे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। ग्यारह, अच्छा कार्य किस प्रकार किया जा सकता है? इसका उत्तर है, अच्छा कार्य एक साथ मिलकर
अधिक और अच्छा कार्य किया जा सकता है। एक साथ मिलकर जब हम कोई काम करते हैं तो वह काम अच्छा भी होता है और ज़्यादा भी हो जाता है। पाठ में आए संयुक्त व्यंजन वाले कोई चार शब्द ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, विद्यालय, रास्ते, उन्होंने, अध्यापक। क्या है? विद्यालय, रास्ते, उन्होंने, अध्यापक। अब बच्चों देखो, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों में कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं? अब जैसे अक्षत्रिय में कौन सा जुड़ा है? ष षटकोण जुड़ा है। कै श ए, तो ये क्या हुआ? कक्ष। त्रय में तै र ए, त्रय, त्रय त्रिशूल। ज्ञ ज्ञानी ज इय ए, तो ये क्या हुआ? यज्ञ। श्र श र ए, श्र। दिए गए शब्दों के अर्थ छांटकर लिखिए। मुश्क, परिश्रम, मेहनत, विपरीत, उल्टा, कठिन, मुश्किल, माता, माँ। उचित, प्रश्न नंबर चार, उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। देखो बच्चों, उनके माता पिता कठिन परिश्रम करते थे। हम स्कूल जा सकते हैं। मैं तुम्हें रास्ते के बारे में बताता हूँ। उन्होंने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल कर लिया। वे अब स्कूल जाने लगे। जिन शब्दों को आपने खाली स्थान में लिखा, वे सभी शब्द नाम की जगह पर लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न नंबर पाँच, उदाहरण के अनुसार एक एक शब्द लिखिए। च, यहाँ च दो बार लिखा है, आधा च और पूरा च, तो यहाँ क्या आएगा? बच्चा। बच्चा के आगे हम लिख सकते हैं सच्चा, क्योंकि ये भी इसी के अनुसार लिखा गया है। अब बच्चों यहाँ आया अध्याय, अध्याय यानी अध्यापक, आधा ध्याय और यह। अब हम इसका लिख सकते हैं ध्यान, न, प्रसन्न यानी डबल में, तो प्रसन्न यानी गन्ना। हम यहाँ प्रसन्न लिखा है, आगे लिख सकते हैं गन्ना। प्यह, प्यह से प्यार, और इसका दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं प्यासा। क्या लिख सकते हैं? प्यासा। अब प्रश्न नंबर एक, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, किस अंग से कौन सा काम करते हैं मिलाकर बताइए। जैसे पैर से चलते हैं, आँख से देखते हैं, कान से फूल सूंघते हैं, दांत से खाना चबाते हैं, हाथ से लिखते हैं और कान से गाना सुनते हैं। नाक से सूंघते हैं, कान से गाना सुनते हैं और हाथ से लिखते हैं, दांत से खाना चबाते हैं और पैर से चलते हैं। अब प्रश्न नंबर दो, नीचे दिए गए चित्रों में से जो वस्तु आपकी कक्षा में है उसमें रंग भरिए। इनमें से हमारी कक्षा में क्या हो सकता है बच्चों? कुर्सी या पेड़? तो हमारी कक्षा में तो पेड़ ही हो सकता है, तो हमें पेड़ नहीं हो सकता, हमारी कक्षा में तो कुर्सी हो सकती है, तो इसलिए हमें इस कुर्सी को पूरा करके इसमें रंग भरना है। ठीक है बच्चों, हमने पाठ पढ़ा सच्चा मित्र, और हमने इसके प्रश्न उत्तर किए, शब्दार्थ किए, कठिन शब्द किए और प्रश्न उत्तर भी किए। तो बच्चों अब आप इस सारी चीज़ों को याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।